Sportsradar.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। छोटे पर्दे की मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को मुंबई की किला कोर्ट ने ड्रग्स बरामदगी के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा है। दोनों 4 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। दूसरी तरफ भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने कोर्ट में जमानत अर्जी भी डाली है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। मीडिया रिपोर्ट्स में देखें तो भारती सिंह को कल्याण जेल में शिफ्ट करने की खबरें आई, हर्ष को तलोजा जेल में ले जाने की बातें कही गई। मामला ड्रग से जुड़ा है, लिहाजा बेल पर फैसला किला कोर्ट में ही होगा। दोनों की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होनी है। इसके बाद ही तय हो सकेगा कि भारती सिंह और उनके पति को राहत मिलेगी या उन दोनों की मुसीबतें बढ़ेगी। इसके पहले शनिवार को मुंबई में भारती सिंह के घर पर NCB ने छापेमारी की थी। जांच एजेंसी के मुताबिक भारती सिंह के प्रोडक्शन ऑफिस और घर पर छापा मारा गया था। दोनों जगहों से 86.5 ग्राम गांजा जब्त किया गया था। भारती और हर्ष ने गांजा इस्तेमाल करने की बात भी मानी है। पूछताछ के दौरान भारती सिंह ने कबूला था कि उन्होंने ड्रग्स लिए थे। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद भारती को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद देर रात भारती सिंह के पति हर्ष को गिरफ्तार करने की खबरें भी सामने आ गई। भारती सिंह के मामले के बाद जिक्र करते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस की। दरअसल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ था। इस मामले में पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को पकड़ा था। मामले की जांच आगे बढ़ी और कई नामी स्टार से पूछताछ शुरू हुई। NCB बॉलीवुड एक्टर दीपिका पादुकोण, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, अर्जुन रामपाल समेत कई लोगों से लंबी पूछताछ कर चुकी है। अब ड्रग्स कनेक्शन में मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह अपने पति के साथ गिरफ्तार हो चुकी है और सोमवार को कोर्ट में भारती सिंह के जमानत पर सुनवाई भी होनी है। इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड समेत देश विदेश की तमाम बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।